हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे हम 30 डेज क्रैश कोर्स फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका वीएलडब्ल्यू है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, फॉरेस्टर है एंड अपकमिंग एग्जाम्स है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा आपका जीके पोर्शन का लेक्चर नंबर 12। यहाँ पे आपको क्विक रिविजन क्लासेस देखने को मिल रही है, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है तो इन लेक्चर्स के जरिए आपको अच्छे तरीके से रिविजन कराया जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाइए और ज्वाइन कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 12 जीके पोर्शन का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिक फीचर्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये हम आज इस वीडियो में आपको कवर कराएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसको किसने जो है बनाया है और इसमें कौन सा जो है कितने अमेंडमेंट्स है, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये वर्ल्ड लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है वो पॉपुलरली जिसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है उसने फॉर्म किया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 16 मई 1946 को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 1946 को इसको फॉर्म किया गया था बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, किसको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एंड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें टोटल 385 मेंबर्स है, ठीक है, 385 मेंबर्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, जो कि वहाँ पर मीटिंग हुई थी, मिशन प्लान हुआ था, उसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था, ठीक है। अब इसमें जो फीचर्स रहेंगे, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपके रिटन, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेकंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें 122 अमेंडमेंट्स है, 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है टोटल इंडियन इंस्टीट्यूशन के एंड 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। ये आपको सारे याद रखने, क्योंकि इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोलिए कितने आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बोलिए कितने पार्ट्स है, कितने शेड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है या कितने अमेंडमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो ये आपको साथ साथ में याद रखना है, ठीक है। ओके, ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ आया, चलिए आगे चलते हैं। साइलेंट फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे पहला जो फीचर है वो है आपका प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब क्या है गाइस, प्रीएम्बल का मतलब है जिस भी जो है, जिस जो है कि इंडिया जो ये डाइवर्सिटी है, ठीक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, सिक्युलरिज्म है, तो यहाँ पे जो इस प्रीएम्बल का मतलब ये है कि हम यहाँ इंडिया में रहते हैं एंड यहाँ पे जो है जो कॉन्स्टिट्यूट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है इंडिया का, उसको हमें जो है वो सिक्योर करना है ऑल सिटीजन्स में, जस्टिस में, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी में। इसका मतलब है प्रीएम्बल, यानी कि जो भी कास्ट्स है, चाहे आपके सिटीजन्स है, जस्टिस है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, सवर्जन है, इसको हमें सिक्योर करना है, इसको हमें बचाना है, क्योंकि यही फर्स्ट साइलेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। सेकंड जो आपका साइलेंट फीचर्स में आता है वो आपका फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो भी जो है वहाँ पे रिटन में लिखा हुआ है उसको कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या आते हैं, फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर एन्जॉयड बाई एवरी इंडियन सिटीजन, तो ये सब इंडियन सिटीजन जो भी है उनको इसको रेस्पेक्ट करना है, चाहे वो किसी कास्ट से हो, चाहे वो किसी भी कलर के हो, चाहे वो किसी भी सेक्स या चाहे वो किसी भी क्रीड के हो, तो यहाँ पे इस फंडामेंटल राइट को आपको इंडियन सिटीजन्स को यहाँ पे एंजॉय करना है, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है तो उसको राइट टू इक्वालिटी का हक होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, यानी कि अपने रिलीजन के बिलीफ्स को वो राइटली परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि हर किसी, क्योंकि डाइवर्सिटी है इंडिया में, बहुत सारे कल्चर्स यहाँ पे है बहुत सारे सालों से, तो जो भी कल्चर से है उसको, उसके कल्चर को जो है उसको फ्रीडम देना है, उसके जो एजुकेशनल राइट्स है उसको फ्रीडम मिलना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब ही है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि राइट होना चाहिए हर किसी सिटीजन को अपने तरीके से जीने का, ठीक है। और उसके बाद है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, दीज आर ऑल द फंडामेंटल राइट्स, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हर किसी इंडियन सिटीजन को जो है वो अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि हर कोई सिटीजन जो भी इंडिया में रहता है वो इक्वल है, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स से बिलोंग करता हो, ठीक है, राइट टू फ्रीडम,
हर किसी को अपने फ्रीडम के तहत ज़िंदगी गुजारने का हक है, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, न रिलीजन में, न किसी को प्रैक्टिस करने में, न किसी को रिलीजन तब्दील करने में, न किसी को सेक्स तब्दील करने में, कोई भी किसी भी चीज़ में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। राइट टू फ्रीडम उसी का मतलब होता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि रिलीजन, जैसे यहाँ पर डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ज्यूज है, क्रिश्चियंस है, यानी कि बहुत सारे रिलीजन है, बुद्ध है यहाँ पर, तो हर किसी रिलीजन को अलग अलग जो है यहाँ पे फ्रीडम मिलनी चाहिए। जो भी जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता है वो अपने फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, अपने फंडामेंटल जो भी वहाँ पे जो आपकी प्रे वगैरह होता है, तो वो आप अच्छे तरीके से फ्रीडम उसमें होना चाहिए, उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, कल्चर जो भी, जैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो है लोगों का कल्चर होता है, ड्रेसिंग का कल्चर होता है, खाने पीने का कल्चर होता है, बात करने का कल्चर होता है, लैंग्वेज का कल्चर होता है, ठीक है। तो अपने तरीके से वो उसका फ्रीडम मिलना चाहिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, एंड उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। दीज आर ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे मेंशन किया, वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये पिक्चर भी लगाया, इसे आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। द बल्केस्ट ऑफ लेंगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, एक बल्क में है, बहुत ज़्यादा बल्क में है और सबसे ज़्यादा लेंथी भी है ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है इस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरल सिस्टम यह यूनिटरी बेसिस पे है। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, यानी कि जो भी हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स है, जज को जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है उनको एक इंडिपेंडेंट माना जाता है, उनके मतलब वो अपने तरीके से जो भी उनका राइट होता है, जिस तरीके से वो फैसला कर सकते हैं, जो कि लोगों के हक में हो, जिसके हक में हो, तो उसमें भी इंडिपेंडेंट। यहाँ पे पार्लियामेंट सिस्टम और गवर्नमेंट है, सेक्युलरिज्म है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड पार्टी सिस्टम है। दीज आर ऑल द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सबसे पहले जो है वो है नॉट एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स। मेन एम ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक बेस ऑफ यूनियन डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, ठीक है। जो सम इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 39 में जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो है प्रोविजन ऑफ एडवोकेट मीन्स ऑफ लाइवहुड फॉर ऑल सिटीजन, यानी कि लाइवहुड किसी भी सिटीजन जो भी इंडिया में रहता है उसको एडवोकेट प्रोविजन मिलना चाहिए, ठीक है। राइट टू वर्क, राइट होना चाहिए काम करने के लिए, जो कि आर्टिकल 41 में लिखा है। राइट टू ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ आर्टिकल 42 में लिखा है। राइट टू लिव वेज ऑफ वर्क एंश्योरिंग डिसेंट लाइफ ऑफ ए वर्कर, एक डिसेंट लाइफ होनी चाहिए एक वर्कर की, जो कि आर्टिकल 43 में लिखा है। कॉमन सिविल जज आर्टिकल 44, प्रोहिबिशन कंजप्शन लिक्वर, यानी कि शराब जो भी लेता है तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे प्रोहिबिशन लगाई गई, जो कि आर्टिकल 47 में लिखा है। प्रिवेंट स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, जो है उनके लिए प्रिवेंशन स्लॉटर, जो भी स्लॉटरिंग होती है कैटल वगैरह की, जो यूजफुल कैटल है उनको प्रिवेंट करना, उनको प्रिजर्व करना आर्टिकल 48 में लिखा है। पंचायती राज लाना ऑर्गेनाइज करना आर्टिकल 40 में लिखा है। इंटरनेशनल पीस, यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक पीस रहना चाहिए, वो आपका आर्टिकल 51 में लिखा है। दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है गाइज, यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि आर्टिकल 51A में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ओके, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इनकॉर्पोरेट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन 42 एंड अमेंडमेंट एक्ट 1976, कोई भी आपको याद रखना, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक है, जो कि आर्टिकल 51A में मेंशन किया हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। उसमें क्या क्या है ड्यूटीज ऑफ अमेंडमेंट 42nd एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, तो उसमें सबसे पहला जो है वो रेस्पेक्ट आइडियाज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनल फ्लैग नेशनल एनिमीज, यानी कि जो भी आइडियाज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, चाहे वो नेशनल एंथम हो चाहे वो नेशनल फ्लैग हो, उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि हिंदुस्तान का जो भी फ्लैग है, नेशनल एंथम है या आइडियाज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हैं, उनकी रेस्पेक्ट और उनको उनका पालन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल डीड्स इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम, जो भी फ्रीडम से हमें नोबल डीड्स मिले हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनको चेरिश करना चाहिए, ठीक है। दीज आर द ड्यूटीज ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 42nd। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सवर्जिनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एक तो अपहोल्ड होना चाहिए और दूसरा प्रोटेक्ट करना चाहिए सवर्जिनिटी यूनिटी इकट्ठापन एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। टू डिफेंड द कंट्री वेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब बुलाया जाएगा अपने कंट्री की डिफेंड के लिए तो उस वक्त सबको डिफेंड करना होगा, ठीक है। ये ड्यूटीज़ है एक आम सिटीज़न के लिए जो इंडिया में रहता है।
टू प्रमोट हारमोनी डिग्निटी ऑफ वुमेन, हारमोनी एंड जो वुमेन वगैरह है जो फीमेल्स है उनकी हारमोनी, उनकी रेस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। वैल्यू एंड प्रिजर्व द कल्चर एंड हेरिटेज, यानी कि जो भी इंडिया का कल्चर है जो कि बहुत पुराना है, हेरिटेज है आपका, उनको उसको वैल्यू देना और उसको प्रिजर्व करना, ये भी इस एक्ट में एक तरह का पार्ट है, ठीक है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एंड्योर वायलेंस, सेफ गार्ड पब्लिक, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी सेफनेस, उसको प्रिजर्व करना, उसको बचाना, एंड एंड्योर वायलेंस यानी कि वायलेंस को खत्म करना। दीज आर ऑल द ड्यूटीज ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 42 अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें ये सारे जो है ड्यूटीज़ वहाँ पे मेंशन किए हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है गाइज। आई होप आपको यहाँ तक सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सारे पॉइंट्स याद रहे होंगे, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर आप पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। हम मिलते हैं 8 बजे कंप्यूटर लेक्चर की ओर, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखेगा अपना।